बड़ी खबर आ रही है, लालू प्रसाद यादव की बेटी चंदा यादव से ईडी की पूछताछ। आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब केस में रागनी के बाद चंदा को बुलाया गया है। मंगलवार को तेजस्वी से हुए थे सवाल जवाब। लालू की तीसरी बेटी है चंदा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर पूछताछ हो रही है। और आपको बता दें कि लालू की बेटी चंदा यादव से ईडी की पूछताछ चल रही है, और रागनी से पूछताछ हुई थी, उसके बाद चंदा को बुलाया गया। और आपको बता दें कि लगातार जो जांच का दायरा है वो बढ़ते ही जा रहा है। ये उसी दिन तय माना जा रहा था जब पूछताछ हो रही थी तेजस्वी यादव से। आपको बता दें कि लंबी पूछताछ हुई थी, हालांकि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि जब कोई बात ही नहीं है तो क्या सजा देंगे। लेकिन आपको बता दें कि ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? लालू प्रसाद यादव की बेटी चंदा को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल, चंदा यादव जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उनको इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लैंड फॉर जॉब का जो मामला है उस मामले को लेकर के ईडी इस मामले में अपनी जांच कर रही है, और इससे पहले तेजस्वी यादव से भी ईडी जो है इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा मीसा भारती से सबसे पहले इस मामले में पूछताछ की थी, और कल जो है इस मामले में रागिनी यादव जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो यानी कि अब मान सकते हैं कि लालू यादव परिवार की ये जो चौथे व्यक्ति हैं जिनसे ईडी इस समय पूछताछ कर रही है। जिस तरह से ईडी ने इस मामले को लेकर के अपनी कार्रवाई शुरू की थी, 10 मार्च को छापेमारी की थी, उसमें काफ़ी सारे ऐसे एविडेंसेस निकल करके आए थे जिससे पता लगता था कि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी कि जो गलत तरीके से जो फायदा लिया गया है, पैसा कमाया गया है, वो पैसा परिवार के दूसरे लोगों तक भी पहुंचा है। और यही वजह है कि ईडी इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है, और जो प्रोसीड ऑफ क्राइम की जो ट्रेल है जिस चीज तक पहुंची है उन सब लोगों से पूछताछ की जा रही है। और जो भी आरोपी इसमें निकल करके आते हैं कि उन्होंने जानबूझ करके ये फायदा लिया है, उन तक पैसा पहुंचा है, तो उनके खिलाफ उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए ये जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, बड़ी बात है। और जितेंद्र, जिस दिन तेजस्वी यादव को ईडी ने बुलाया था और लगातार चर्चा भी कर रहे थे, और आपने इस बात का भी जिक्र किया था कि देखिए जांच का दायरा और बढ़ेगा, तो लगातार आप देख रहे पूछताछ का सिलसिला जारी है। चंदा यादव को आज बुलाया गया, तो क्या जितेंद्र ये समझा जाए कि ईडी के सामने कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिसकी वजह से लगातार ये पूछताछ का दायरा भी बढ़ता जा रहा है? ईडी के पास जो एविडेंसेज हैं उसी के आधार पर ये छापेमारी की जा रही है, क्योंकि ईडी ने 10 मार्च को सबसे पहले इस मामले को लेकर के सर्चिंग शुरू की थी। दिल्ली एनसीआर, रांची, पटना और मुंबई, इन जगहों में 24 जगहों पर ईडी ने अपनी छापेमारी की थी, और इसमें ज्यादातर जो लोग थे वो लालू यादव के परिवार के जो लोग थे उन्हीं लोगों पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के अंदर ईडी को लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों के पास से 1 करोड़ रुपए कैश मिला था, फॉरेन करेंसी मिली थी, करीब 1.25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई थी, और इसके अलावा जो दो अहम जो चीजें निकल करके सामने आई थी जो जांच के अंदर, वो तेजस्वी यादव का जो दिल्ली के अंदर जो बंगला है, 4 मंजिला जो बंगला है, उसको लेकर के अनियमितता पाई गई थी, यानी कि जिसकी कीमत इस समय 150 करोड़ रुपए है, उस बंगले को महज 4 लाख रुपए में ले लिया गया था। एक कंपनी के जरिए उसको एक्वायर किया गया था, उस कंपनी को लालू तेजस्वी यादव मैनेज करते हैं। इसके अलावा कुछ जो लैंड फॉर जॉब मामले में जिन जमीनों को लिया गया था नौकरियों के बदले लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से, और जिनको राबड़ी देवी के नाम ट्रांसफर किया गया था, वो महज 7.5 लाख रुपए में जमीन खरीदी गई थी, लेकिन उसे 3.5 करोड़ रुपए में अबू दुजाना जो कि आरजेडी पार्टी के पूर्व विधायक है और कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, उसको बेच दिया गया था। उस 3.5 करोड़ रुपए में से पैसे जो थे वो राबड़ी देवी के पास आए, तेजस्वी यादव के पास आए। तो यानी कि आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो ट्रेल है पूरी, जो मनी ट्रेल है, वो लालू प्रसाद यादव के परिवार के इर्द गिर्द, और इसी के इर्द गिर्द पूछताछ भी हो रही है। जितिन, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता दें।